हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल दिवस पर जयराम सरकार ने प्रदेश को कई सौगातें दी है। महिलाओं को बसों में किराए में 50% छूट के साथ प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की गई है। करीब 70,000 करोड़ के कर्ज तले दबे प्रदेश में HRTC 1,000 करोड़ के घाटे में है। ऐसे में सरकार इसके लिए कर्ज लेगी या नए रिसोर्स तैयार करेगी, यह बात चुनावी वर्ष में देखने वाली होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे सभी परिवारों से पानी का कोई बिल न लेने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सारा कर्ज इसी सरकार ने नहीं लिया है, ये निर्णय जनता के हित में लिए गए हैं और सरकार इसके लिए नए रिसोर्स जनरेट करेगी। 60 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता हैं, उनको मुफ्त में बिजली देने का घोषणा की थी और 125 यूनिट तक 1 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, लेकिन पिछले कल हिमाचल दिवस के अवसर पर इसको बढ़ाकर 125 यूनिट कर दिया गया है। 125 यूनिट तक जो भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग करेंगे उनके ऊपर ना किसी प्रकार का शुल्क लगेगा, ना उनसे किसी प्रकार का बिल लिया जाएगा और करीब 11 लाख उपभोक्ताओं को, 11 लाख जो हमारे उपभोक्ता हैं, इसका सीधा सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। दूसरी बात, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत बहुत बढ़िया काम किया गया है और अगर जल जीवन मिशन में सबसे अग्रणी कोई राज्य आज है पूरे देश भर में तो ये हिमाचल प्रदेश है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में पिछले माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस में जो किराया है महिलाओं के लिए उसमें 50% कटौती की है, अर्थात महिलाओं के लिए केवल 50% बस में किराया देना जो है महिलाओं को देना पड़ेगा। और तो कहीं पर भी आपको हम क्या कॉपी करेंगे जिनका हिमाचल प्रदेश में कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.25 वर्षों से कार्यरत है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी का 7.5 वर्ष का कार्यकाल और प्रदेश में 4.25 वर्ष का माननीय जयराम ठाकुर जी का उपलब्धियों भरा कार्यकाल, उसमें चाहे हम विकास की बात करें या कोविड के साथ लड़ाई की हम बात करें तो दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है और हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश में जनहित में फैसला हमारी सरकार लेते हुए आगे बढ़ रही है। जहाँ तक तो कर्जे की बात है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी कर्जा हुआ है, पिछली सरकार के समय में भी कर्जा था, लेकिन ये मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से जितना भी संभव होगा सरकार करेगी और जो भी घोषणाएं की हैं उनको अमली जामा पहनाने का काम हमारी सरकार। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।